बड़ी खबर आपको बता दें, कंपनी में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट के बाद कंपनी में भीषण आग लगी है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक कंपनी में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट के बाद कंपनी में भीषण आग लगी है और इस वक्त कोशिश यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नासिक में, ये फैक्ट्री में, इगतपुरी में ये फैक्ट्री है जिसमें जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद भीषण आग लग गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं और प्राथमिकता यही है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। क्या कारण रहे हैं ये अभी साफ नहीं है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने भरतनगर के नसबगढ़ नाले का निरीक्षण किया, अधिकारियों से बात कर ली जानकारी। दिल्ली के स्कूलों में हुई मेगा पीटीएम, शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बच्चों और पेरेंट्स से की खास बातचीत। कहा पेरेंट्स के साथ मिलकर सभी टीचर बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कोशिश कर रहे हैं। अहमदाबाद के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद फ्लावर शो 2023 का किया उद्घाटन। ये फ्लावर शो 31 दिसंबर से 11 जनवरी तक चलेगा। बिहार दौरे पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बोधगया के कालचक्र मैदान में बोध गुरु दलाई लामा के शिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान का स्टेज 3 लागू। गैर जरूरी निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर लगी है रोक। नए साल के जश्न को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कनॉट प्लेस में भीड़ को कम करने के लिए रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के एग्जिट गेट बंद होंगे। गुड़गांव में नए साल के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार। ट्रैफिक पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। सड़क पर लोगों को यमराज के गेटअप में ट्रैफिक नियम समझाते नजर आए। नए साल के मौके पर नवी मुंबई से रायगढ़ तक ट्रैफिक जाम। हाईवे पर गाड़ियों की दिखी लंबी कतार, घंटों जाम में फंसे लोग। नए साल के जश्न के पहले ही गोवा में तमाम बीच पर पर्यटकों की भारी भीड़ दिखी। 2023 के वेलकम से पहले हर कोई यहां मौज मस्ती करते हुए दिखाई दिया। नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालु कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में पुलिस ने नए साल के मौके पर फ्लैग मार्च किया। बड़ी संख्या में पुलिस रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और चौराहे पर गश्त करती नजर आई। फ्लैग मार्च में डीआईजी रेंज सहारनपुर और एसएसपी भी मौजूद रहे। यूपी के बुलंदशहर में नए साल के मौके पर पुलिस अलर्ट। अलग अलग इलाकों में ड्रोन के जरिए नजर। कच्ची और जहरीली शराब माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बर्फबारी से वादियां सफेद। चादर में लिपटी बर्फबारी के बीच नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। चीन में कोरोना से बिगड़े हालात। मुर्दा घरों से लेकर अस्पताल की फर्श तक शवों का अंबार। अस्पताल में इलाज न मिलने से लोगों की हो रही है मौत। चीन के शंघाई से डरा देने वाला वीडियो आया सामने, जहां एक बड़े से हॉल में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लाशें रखी हुई नजर आई हैं। मॉर्चरी में एक दिन में 10,000 से ज्यादा लाशें पहुंची। कोरोना के आंकड़े जारी नहीं करने पर WHO ने चीन को लगाई फटकार। कहा बिना छिपाए दुनिया के साथ साझा करें कोरोना के सही आंकड़े। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को भेजा नए साल पर खास संदेश।